यस, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है, द रेंज मेजर्ड अलोंग द इंक्लाइन क्या होगी। देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल 30 डिग्री है और यहां से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया इस तरह से, और इस तरह से अगर फेंका गया है वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, इसको यू मान लेते हैं, ये एंगल भी 30 हो गया। अब इसकी रेंज पूछी गई है। देखिए रेंज के लिए सबसे पहले हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली होता है 2uy बाय एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो 2uy यानी कि u क्या हो जाएगा, 2uy हो जाएगा u साइन 30, दैट इज u 1/2 डिवाइडेड बाय g। g का कॉम्पोनेंट जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है वो हो जाएगा g cos थीटा। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो g दैट इज 10 एंड cos 30 हो जाएगा √3/2। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर पहुंच गया, u बाय 10 √3, और u को 50 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय √3। ये तो टाइम है जी। अब हमें रेंज चाहिए, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज इसकी एक्चुअली अलोंग द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट है इन द टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो रेंज के लिए हम कह सकते हैं अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u √3/2। ओके, टाइम कितना जी, 5/√3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन। इस इंक्लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g sin 30 which is 5 because 10 sin 6 30 5 and t square, so t square should be 25/3। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो यहां मिल जाएगा हमें 50/2, तो 25 into 5 कितना मिल जाएगा हमें 50/2, तो ये बन जाएगा हमारा 125 एंड प्लस यहां पे हमारे पास बन जाएगा, ओके देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 2 को हम भूल गए थे, यहाँ 2 जब ऊपर जाएगा तो ये आंसर 5/√3 ना के 10/√3 आएगा, और 10/√3 के लिए हम यहाँ पे भी देखिए चेंज कर देते हैं 10/√3, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं 10² √3 का स्क्वायर, दैट इज 100/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा कितना 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा 250 और प्लस 250/3, तो ऑब्वियसली इनको ऐड करने के हमें मिल रहा है 1000/3 विच इज बी, सो बी आपका आंसर है।